उठाओ है दूसरा उठाइए, एक एक करके उठाइए, छोड़ दीजिए उसको, एक छोड़ के उठा के छोड़ दीजिए, दूसरा उठाइए छोड़ दीजिए, और तीसरा उठाइए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट उठाइए। कौन सा उठाना आसान लग रहा है बालबी? ये वाला है, ये वाला। देखो इस क्या बता रहा है इसमें, अब इसका फार्मूला पढ़ो भैया, इसमें क्या बता रहा है? क्योंकि जो इसकी सरफेस है, मतलब ये खुरदरा है ये, इसलिए आटा है, स्मूथ है इसकी सरफेस। देखिए ये ऐसा बनाया गया, ये चिकना है, ये चिकना है, ये कुछ चिकना है, ये अलग अलग, ये खुरदरा है देखिए, और ये चिकना है बाल भी, ये भी चिकना है, तो खुरदरा कौन सा है? ये वाला। तो खुरदरे होने से क्या फर्क पड़ रहा है भैया? ये गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। क्या इसमें से ज़्यादा जो स्मूथ होगा चिकना, तो वो जल्दी उठ जाएगा। अच्छा, टाइल्स होती है, टाइल्स पर आप हाथ रखें तो जल्दी तेज भागेंगे। तो कौन सा जल्दी उठ, बाल भी कौन सा जल्दी उठ जा रहा है बताओ जरा सर, कौन सा बाल भी देखो कौन सा उठ जा रहा है। साथी हो, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, और ये वाला थोड़ा आसान लग रहा है। वो आसान लग रहा है, अच्छा। और दूसरा वाला भारी है, ये नहीं, चिकना चिकने पर है, देखो ये स्मूथ कौन सा है, देखो ये और ये और ये, अच्छा, और ये तो खुरदरा है, और इसमें क्या है, ये क्या है, क्या बता रहा है ये इसमें भैया? तो जो स्मूथ होगा वो आसानी से उठ जाएगा। अच्छा, इसका फार्मूला ये है, जो स्मूथ होगा आसानी से, लाओ मैं उठाने का प्रयास करूँ, लो वीडियो भैया। साथियों, आज ये 50 साल की उम्र में समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ये उठाया हमने, वो तो इसमें वजन लग रहा है, इसमें भी वजन लग रहा है, इसमें भी वजन लग रहा है, इसमें भी वजन, ये मुझे लगता है जल्दी उठ जा रहा है ना? तो ये ज़्यादा स्मूथ हो गया आपका, ये स्मूथ होगा, तो स्मूथ होने से कौन सा फार्मूला लगाओगे? इसमें फ्रिक्शन कम है, इसमें घर्षण कम है, घर्षण बल इसमें कम है। अच्छा, जिसमें घर्षण बल कम होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका साथी है, ये फ्रिक्शन का फार्मूला है, उस पर आधारित एक साइंस है, बहुत ज़्यादा तो मेरे दिमाग में नहीं घुसने वाला है, लेकिन बस आया हूँ तो मज़ा ले रहा हूँ, बस ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है, यहाँ एक्चुअली विज्ञान केंद्र अलीगंज में हूँ।